हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। राखी का त्यौहार खुशी से मनाए होंगे। और आज तो 4-5 दिन के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। 4-5 दिन से तो मेरा कोई ब्लॉग नहीं पोस्ट हुआ, राखी पर भी कोई ब्लॉग पोस्ट नहीं की, क्योंकि इस बार राखी का त्यौहार हम लोग मनाए ही नहीं। घर में कृष्ण नहीं था, छवि उदास थी, तो राखी का त्यौहार घर में मना ही नहीं, इस वजह से ब्लॉग भी नहीं पोस्ट किए। अच्छा ही नहीं लग रहा था, राखी नहीं बांधी, छवि कृष्ण नहीं था, अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ भी करने का भी मन नहीं कर रहा था, कोई काम, बस जो जनरल होता है वही घर में हुआ, इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया। ये देखिए, राखी पर मेहंदी मैं लगाई थी तो फीका हो चला है। कैसा? अभी दोपहर के 1 बज चुके हैं, 1:30। तो चलते हैं, कुछ काम करते हैं। ब्लॉग का स्टार्ट, बने रहिएगा वीडियो में, कहीं जाइएगा नहीं आप सब। चलते हैं पहले और छवि को देखते हैं, छवि क्या कर रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, छवि को क्या कर रही है, देखिए उसका लैपटॉप उधर रखा हुआ है, लैपटॉप में बिजी है। और बाहर में बारिश खिड़की से, मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रहा है बाहर। चलते हैं ऊपर, कुछ काम है। बारिश एकदम तेज है, देखिए कितना जोरदार बारिश हो रहा है। अभी एक गुलदस्ता ऊपर से नीचे गिर गया हवा से, खिड़की खुला है और हवा भी तेज है जिसके चलते गिर गया नीचे से। रख दे रहे हैं मशीन, मेरा यहीं पर रखा हुआ है ऊपर में ही। और जब से नीचे वाले फ्लोर में शिफ्ट हुए हैं तब से तो सिलाई भी बहुत कम कर रहे हैं। और फेस्टिवल अभी तो जान ही रहे हैं कि फेस्टिवल आया है, सावन से शुरू ही हो गया है। सोमवारी अभी जन्माष्टमी, फिर तीज, उसके बाद जितिया और दशहरा है। सारा त्यौहार मतलब एक के बाद एक लगातार है। और ऐसे में बहुत सा मेरा कपड़ा है जो रखा हुआ है। और उधर तो बहुत ज़्यादा गर्मी था, गर्मी के चलते सिलाई करने का मन नहीं कर रहा था। और बीच बीच में मेरा तबीयत भी ठीक नहीं रहा, तो अब सिलाई स्टार्ट करते हैं। और मेरा मशीन यहीं पर रखा हुआ है ऊपर में ही, तो भी चलते हैं पहले मशीन को साफ़ करके, उसमें तेल डाल करके देखते हैं सिलाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। और आप सबको दिखाना है कुछ, लेकिन जब तक उसे सिलेंगे नहीं दिखाएंगे। अभी तो ऑनलाइन शॉपिंग किए हैं और ड्रेस है, 2-3 ड्रेस, तो उसे पहले सिल लेंगे, उसके बाद आप सबको दिखलाएंगे कैसा है वो ड्रेस। वो सारा त्यौहार में पहनने के लिए ही शॉपिंग किए हैं, त्यौहार का सीजन है अभी। चलते हैं पहले मशीन ठीक करते हैं। Thank you.
देखिए मोती, ये ब्लाउज मैं खुद सिली हूँ और इसमें अभी मोती मैं लगा रही हूँ। देखिए कैसा लग रहा है, बहुत दिन से इसे सिल करके रखे थे लेकिन मोती नहीं लगाए थे, और अभी मोती है इसे लगा दे रहे हैं। लगा करके आप सबको दिखाएंगे कैसा लग रहा है। देखिए मेरा ब्लाउज में मोती लग गया, देखिए चारों तरफ से इस तरह से, और यहाँ बाजू में भी कितना खूबसूरत लग रहा है ये ब्लाउज। देख करके आप सब इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है मोती लगाने के बाद। यहाँ पर मैं बर्तन साफ कर रही हूँ, शाम के 5 बज चुके हैं और ब्लाउज में मोती लगाने में तो काफ़ी टाइम लग गया, और ये सब काम करने में तो टाइम लगता ही है, सिलाई करने में या फिर हाथ से कुछ काम करना हो तो उसमें तो और ज़्यादा टाइम लगता है। और अभी बर्तन क्लीनिंग के साथ साथ किचन भी क्लीन करना है और साथ में गैस चूल्हा भी पोछना है, तो ये सब काम भी अभी करना है, मैं कर ले रही हूँ यहाँ पर। और ये देखिए कुछ चांदी के जेवर हैं तो उसे मैं घर में ही साफ़ कर ले रही हूँ, तो इसमें मैं खाने का सोडा आधा चम्मच डाल करके और इसे पानी में खौला दे रहे हैं, और इसमें साथ में डालेंगे थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर, कोई भी सर्फ, और इसे देखिए इस तरह से डाल करके अब 15 मिनट इसे पानी में खोलने दे रहे हैं। इसके बाद ठंडा हो जाने पर इसे ब्रश के सहायता से इसे साफ़ करेंगे। देखिए कितना गंदा है पानी, बहुत सारा गंदा निकला है पानी, और इसे अब ब्रश से रगड़ के इस तरह से साफ़ कर लेंगे। तो इस तरह से साफ़ करने पर एकदम से नया जैसा चमक आ जाता है इसमें। आप घर में ही आसानी से बर्तन चांदी के या जेवर जो भी हैं जो हवा पानी से काला पड़ गया है या यूज करने से, तो उसे आसानी से आप घर में इस तरह से साफ़ कर सकते हैं और बिल्कुल एकदम चमक आ जाएगा नए जैसा, सुनार पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसे साफ़ करके और धो करके फिर इसे सुखा लूँगी, और अभी त्यौहार का समय है तो मैं इसे पहनने के लिए ही साफ़ कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छा एकदम साफ़ हो गया, और साथ में इसमें शाइनिंग भी आ गया एकदम चमक भी। और अभी शाम के समय है, इवनिंग टाइम, तो मैं डिनर की तैयारी करने जा रही हूँ। और शाम के डिनर में आज बनाएंगे बैंगन की सब्जी और रोटी। यहाँ पर बैठ करके मैं बैंगन काट रही हूँ, और अभी बैंगन का सीजन तो नहीं है तो अच्छा भी नहीं लगता है बैंगन, लेकिन घर में आया है तो उसे बना रहे हैं, और उसमें सोयाबीन बड़ी डाल करके बनाएंगे, उससे बैंगन का सब्ज़ी टेस्टी होता है। ऐसे तो बैंगन खाने में उतना अच्छा आजकल नहीं लगता है, सीजनली अच्छा होता है। तो मैं यहाँ पर सब्ज़ी पहले काट ले रही हूँ और इसके बाद किचन में जाएंगे, बाहर बैठ करके आराम से सब्ज़ी काट ले रहे हैं। और अभी सिर्फ सब्ज़ी बना करके रखेंगे, और इसके पापा जी जब आएंगे छवि के तो रोटी बनाएंगे, सब्ज़ी बना करके और रख दे रहे हैं पहले आराम से। और नाइट के खाने में तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है, सिंपल ही होता है मेरे घर में, तो रोटी सब्जी यही सब। अरे है सोयाबीन बड़ी, तो इसे मैं पहले फूलने के लिए डाल दे रही हूँ, और सोयाबीन बड़ी डालकर ही सब्ज़ी बनाएंगे बैंगन का, तो इससे टेस्टी होता है सब्ज़ी। आलू डाल करके सिर्फ बनाने से उतना अच्छा नहीं लगता है, सोयाबीन बड़ी डाल करके बनाने से ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे तो क्रिस रहता है तो फरमाइश होते रहता है, मम्मी ये बनाओ वो बनाओ, तो नाइट में भी कुछ हैवी फूड बना देते हैं, लेकिन वो नहीं है तो ऐसा कुछ मन ही नहीं करता है। हम लोग
सब सादा सादा ही खाते हैं नाइट में, और जब आएगा तो फिर हर दिन उसके फरमाइश से खाना बनाना शुरू। तो यहाँ पर सब्जी छोंक दिए हैं और अब उसमें मसाला डालेंगे, और मसाला डाल करके और उसमें सोयाबीन बड़ी डाल करके ढक देंगे और मेरा सब्जी बन करके रेडी। रोटी तो बनाएंगे लेट से, जब आएंगे तभी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू। अरे देखिए मेरा सब्जी कितना अच्छा बन करके रेडी हो गया है।